अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 16। आज के इस लेसन में हम क्या किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं आटो कैट को ओपन करूँगा। आज के इस लेसन में हमने देखना है हाउ टू इंसर्ट ट्रिवियन क्लाउड शेप ऑन आटो कैट, आटो कैट में आप ट्रिवियन क्लाउड शेप कैसे इंसर्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं ट्रिवियन क्लाउड की, आर्क लेंथ क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और स्टाइल क्या होता है, तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूंगा। ऑटो कैड को ओपन किया और अब हम रिवियन क्लाउड के ऊपर देखते हैं। तो रिवियन क्लाउड की शॉर्ट क्या होती है, वो REV, REV। आप जब लिखते हैं तो आप देखें रिवॉल्व का आ गया और REV के बाद सी जब आप करेंगे तो रिवियन क्लाउड लिखा हुआ आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो एंटर करें नेक्स्ट। उसके बाद अलावा आपके पास रिवियन क्लाउड का जो ऑप्शन है वो है ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको देखें यहाँ पे आपके पास रिवियन क्लाउड लिखा हुआ है। उसके अलावा आप ड्रॉ में जाएं और यहाँ पे भी आपके पास लिखा होगा जी रिवियन क्लाउड, देख सकते हैं। तो ये जी रिवियन क्लाउड के ऑप्शन है तीनों, तो आप क्लिक करें रिवियन क्लाउड पे और फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करें। देखें F8 प्रेस करें, ये रिवियन क्लाउड एक बन गया। अब यहाँ पे इस रिवियन क्लाउड का साइज बहुत ज़्यादा है तो वो मैं आप साइज भी कम करना आपको बताऊंगा और आपके पास पर डिफॉल्ट साइज इसका कम होगा, आप ज़्यादा करेंगे ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा क्या हुआ है तो मैं इसको कम करना आपको बताऊंगा। REVC एंटर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बता रहा है, देख सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको साइज का कम करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम करेगा। तो ये जी रिवियन क्लाउड का ऑप्शन है। अब REV जब मैं प्रेस करता हूँ तो आप नीचे देखें तो आपके पास नीचे कुछ बार में यहाँ पे आर्क लेंथ, ऑब्जेक्ट, स्टाइल ये चीज़ें दिखी हुई हैं। आर्क लेंथ के लिए आप A प्रेस करें, 200 है इसकी लेंथ और अब मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसको देता हूँ मैं 10 लेंथ देता हूँ इसको। रिवियन क्लाउड आप देख सकते हैं जब मैंने इसको 10 लेंथ दी तो देखें ये ऑटोमेटिकली इसका शेप बन गई। 10 आपने लेंथ देनी है, देने के बाद आप ट्रिपल तीन बार आपने एंटर करना है तो आपकी लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। रिवियन क्लाउड आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिवियन क्लाउड बन रहे हैं, देख सकते हैं। जब मैं लास्ट पॉइंट में लेके जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ये जुड़ जाता है खुद, और अगर ये नहीं जुड़ता तो आपने क्या करना है, क्लिक यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं जुड़ रहा, देखें अगर नहीं जुड़ रहा तो आपने वहाँ पे उसे करीब करके डबल एंटर करना है तो ये जुड़ जाएगा वहाँ पे। तो ये जी रिवियन क्लाउड का ऑप्शन। इस रिवियन क्लाउड का साइज बढ़ाने के लिए REVC प्रेस करें, एंटर करें और अब यहाँ पे ले दे रहे, देखें कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपको कह रहा है। तो आपने यहाँ पे इसका आर्क लेंथ बढ़ानी है तो आर्क लेंथ के लिए A प्रेस करेंगे। आप स्पेसिफाई मिनिमम लेंथ आप देना चाहते हो तो मिनिमम लेंथ 10 है तो मैं इसको 10 इंच है तो मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 फीट दे रहा हूँ मैं इसको, एंटर करता हूँ। कह रहा है स्पेसिफाई मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम इसकी लेंथ, वो मैं 4 दे देता हूँ। कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट आप कौन सा है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट इसको क्लिक करता हूँ। अब देखें इसकी लेंथ आर्क की रिवियन क्लाउड की लेंथ बढ़ गई, आप देख सकते हैं। तो ये जी रिवियन क्लाउड की लेंथ बढ़ाने का तरीका और रिवियन क्लाउड को किस तरह आप यूज कर सकते हो। तो यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है रिवियन क्लाउड REV एंटर, REVC एंटर। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट और स्टाइल। ऑब्जेक्ट स्टाइल क्या होता है, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ रेक्टेंगल, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट और एक सर्कल भी बनाता हूँ मैं, इन दोनों के ऊपर रिवियन क्लाउड में अप्लाई करूंगा।
ओके अब मैं रिवियन क्लाउड यूज़ करता हूँ, आर ई वी सी एंटर। ऑब्जेक्ट के लिए ओ यूज़ करता हूँ, सॉरी ओ करना है, ओ एंटर। और आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो अब देखें ये ऑब्जेक्ट आपको रिवियन क्लाउड डायरेक्शन, आप क्या आपको कह रहा है डायरेक्शन, आपने इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम इसी तरह रखनी है या आपने चेंज करनी है। तो मैं इसको नो करता हूँ, नो के लिए एन प्रेस करके एंटर कर दें। तो देखिए नो हो गया हमारे पास डायरेक्शन। अब यस करेंगे तो इसके ये जो आउट के एज बने हुए हैं ये वाले, तो ये बाहर वाली साइड पे आ जाएंगे यस करेंगे। तो दोबारा मैं आपको रिवियन क्लाउड में इसका ऑप्शन समझाता हूँ, आर ए वी रिवियन क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टाइल ओ क्लिक यस, वाई प्रेस करके एंटर करें ना, देखिए इसके एड्स क्या हो गए बाहर की तरफ आ गए। तो ये जी रिवियन क्लाउड का ऑप्शन, आर ई वी सी एंटर ऑब्जेक्ट ओ एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नो करते हैं यस करते हैं आप करके देख लीजिएगा, नो एंटर। तो देखिए ये रिवियन क्लाउड के स्टाइल बन गए, शेप बन गए। नेक्स्ट है रिवियन क्लाउड के स्टाइल, उसके लिए आप आर ई वी सी एंटर करें। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट स्टाइल है, लेंथ आर्क लेंथ आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और अब है स्टाइल। तो स्टाइल के लिए एस प्रेस करें। इसके दो स्टाइल होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है कैलीग्राफी स्टाइल। तो नॉर्मल जो स्टाइल होता है वो तो यही होता है, एन प्रेस करके मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल स्टाइल ये वाला नॉर्मल स्टाइल है। नेक्स्ट है कैलीग्राफी स्टाइल, तो कैलीग्राफी स्टाइल होता है, कैलीग्राफी जो स्टाइल होता है वो होता है, कैलीग्राफी पे क्लिक करें और इसको कैलीग्राफी स्टाइल दे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैलीग्राफी स्टाइल इसका कैसा हो गया। आप इसको जूम करके देखें, ये कैलीग्राफी स्टाइल है और ये नॉर्मल स्टाइल है। तो ये दो स्टाइल होते हैं जी आपके रिवियन क्लाउड के। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी रिवियन क्लाउड क्या होता है और इस पर काम कैसे होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जितने भी हमने काम, जितने भी लेसन हमने पढ़े हैं, जितना भी हमने काम किया, इन सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट जब हम 2D ड्राइंग्स बनाएं या फिर 3D मॉडलिंग पे जाएं तो आपको आसानी से समझ आए। नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।